हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं शुभांगी अग्रवाल और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं, संयम और जागरूकता की परीक्षा भी है। जब हम एकजुट होकर कोशिश करेंगे तभी इसे मात दे पाएंगे। मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और टीकाकरण इससे लड़ने के लिए अच्छे हथियार हैं। इनके इस्तेमाल से हम निश्चित तौर पर महामारी को हराएंगे। अब 1 जून से भारत अनलॉक होना शुरू हो रहा है, ऐसे में सावधानियों को लॉक करें। जानिए वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनको अब भुलाया नहीं जा सकता। नंबर 1, अभी भी कोरोना के केस मिल रहे हैं, ऐसे में पहले कोशिश हो कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे घर से बाहर ना निकलें। यदि बहुत ज़रूरी हो तो कोई व्यक्ति बिना मास्क और ग्लव्स के बाहर ना जाए, सैनिटाइजर भी अपने साथ रखें। नंबर 2, यात्रा में एक किट अपने साथ लें जिसमें ज़रूरी सामग्री हो। खाना और पानी भी घर का ही हो ताकि बाजार से खरीदना ना पड़े। अलग अलग जगह का पानी भी बीमार कर सकता है। नंबर 3, हर तरह का पेमेंट डिजिटल करें। नेट बैंकिंग के साथ UPI या ऐसे ही किसी पेमेंट बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली, टेलीफोन और पानी का बिल भी ऑनलाइन भरें, इससे आप भीड़ भाड़ से बचेंगे। नंबर 4, ऑफिस में सहकर्मियों और दफ्तर के लोगों से दूरी बनाए रखें। गेट के हैंडल, लिफ्ट के बटन आदि को छूने से बचें। गेट खोलने के लिए कोहनी और लिफ्ट का बटन दबाने के लिए चाबी आदि इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 5, खाना, मोबाइल या ऐसी अन्य तरह की चीज़ें साझा नहीं करें, क्योंकि ऐसे में संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। बाजार से सामग्री खरीद कर घर लाएं तो उसे अच्छे से सैनिटाइज करें अथवा पानी से हाथ धोएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। धन्यवाद। ऐसी और जानकारी के जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।